अब हम बारिशों की बात करते हैं, तूफ़ानी बारिशों की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसे, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जहां बहक हुए, 7 जख्मी हो गए। दरियाए चतराल बेकाबू हो गया, दर्जन से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरतेहाल, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। मदियन और बटग्राम में मकानात पर तोदे गिरने से 2 बहनों समेत 4 अफराद जा बहक हुए। दरियाए सवाद के बहाव में गैर मामूली इजाफा, खाजा खेला में राबता पुल बह गया। कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मालाकंड डिवीजन में भी बादलों की घन गरज, सड़कों पर पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासिर, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। दरियाए चित्राल भी बिफर गया, दर्जन से जायद देहात जेरे आब। कटाव से जरी जमीनें डूब गईं, 300 साल पुराने चिनार के कीमती दरख्त बह गए। अपर और लोअर चतराल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसकरदू में गाड़ी तोदे की जद में आ गई, 3 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाबहक हो गए। कराची में बादल फिर बरसे, थोड़ी देर की बारिश से शादमान टाउन नाला ओवरफ्लो हो गया। बल्दिया तिहा टाउन में घर की दीवार गिरने से बच्चा जहां भाग जबकि माँ जख्मी हुई। महकमे मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान शहर कायद में अबरे रहमत फिर बरस उठा। किमाड़ी, आई एच चंद्रीगढ़ रोड, मलिर, सदर रोड, नजाबाद, जेल चौरंगी, गुलशन इकबाल और वाटर पंप समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल ने एंट्री दी। काले बादलों के बरसते ही गर्मी और हफ्स कर रोड टूटा, क्या बच्चे और क्या बड़े सभी झूम उठे। थोड़ी ही देर की बारिश में नॉर्थ कराची शादमान टाउन के करीब नाला उबल पड़ा। सकी हसन कब्रिस्तान जाने वाली सड़क और मक्का मस्जिद के तरफ काला पानी जमा हो गया। ये सेक्टर 14 बी ए सही है, शादमान नंबर 1 है ये, सही है। इसमें का ये सालाना मसला हो गया। पहले अल्लाह का शुक्र था, गवर्नमेंट थी, सारी चीजें थी, लोग यहाँ पर 6 महीने पहले काम करते थे। मस्जिद वस्जिद सब पैक हुआ हुआ था, नवाजे नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर नवाजी कैसे आएंगे। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर की दीवार गिरने से बच्चा जांबाग और मां जख्मी हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में आज रात और पीर को भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशन गोई की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हुज़ैफ़ा खान के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। अब कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है यही जानेंगे। सुरजानी टाउन में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, रात के इस पहर मैं मौजूद हूँ सुरजानी टाउन सेक्टर 5E में, KDA फ्लैट्स का स्टॉप भी ये कहलाता है। और अहम तरीन बात यह कि यहाँ पे जो बरसाती नाला है वो बिल्कुल भर चुका है और इसमें जो बालाई इलाकों से आने वाला पानी जो है वो मुस्तकिल शामिल हो रहा है। इस नाले की हिफाजती दीवार टूट चुकी है। कैमरामैन अकबर आपको दिखा रहे हैं कि नाला कचरे से भी भरा हुआ है और इसकी हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट चुकी है। और अमलन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों ने अपनी मददाब के तहत इस नाले के अगले हिस्से पर एक बांस गाड़ दिया है ताकि मोटरसाइकिल सवार इस बात से होशियार रहें, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ बारिशों में मुतअद्दिद बार हादसे हुए हैं, मोटरसाइकिल सवार गिरे हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं। और इलाके के लोग इस बात पर हमेशा परेशान रहते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद जब ये नाला ऊपर आता है तो इसका ये पानी घरों में, गलियों में दाखिल होता है, कारोबार ख़राब होता है और घरों की चीज़ें भी ख़राब होती हैं। रात के इस पहर यहाँ पर बिजली की फराहमी भी कुछ जगहों पर मुअत्तल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इतना इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि नाला बस सड़क से चंद इंच नीचे रह गया है। लोगों ने अपील की है कि फौरी तौर पर इस मसले को ठीक किया जाए, हल किया जाए, ताकि आइंदा किसी भी तरह से कोई हादसा रुनुमा ना हो सके। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। मानसून के ताकतवर स्पेल के ज़ेरे असर पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल थल लेक हो गया। पाक पतन में करंट लगने से 3 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में मानसून की एक और झड़ी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पाकपतन में बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए।
दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में बहाव 23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब है, जिसके बाईस कई देहात जेरे आब आ चुके हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, 45 से जायद देहात ताहल पानी में डूबे हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी है। लैंड स्लाइडिंग से शाहराए नीलम मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है। वादी लीपा में नाला बिफरने से पानी बस्ती में दाखिल हो गया, कई घरों को नुकसान पहुंचा। वादी लीपा का जमीनी राब्ता मुनकता हो गया, नाला बिफरने से पानी बस्ती में दाखिल, कई घरों को नुकसान पहुँचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा गांव पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सरहदी इलाकों में शदीद नुकसान का सामना है। दरियाए रावी के अंदर फ्लड आया है और भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है। इसने हमारे जो सरहदी इलाके हैं और ख़ास तौर पर ज़िला नारोवाल में देहात को मुतासर किया है, और इसके लिए इंतज़ामिया और हकूमत जो इमदादी सरगर्मियां हैं उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। हमने आज जायज़ा लिया है कि कुछ ऐसी जगह हैं कि जहां पे हिफाजती बांध बनाने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल में जो देही हमारे इलाके हैं उनको बचाने के लिए हम लायमल मुरातब कर सकें और इकदाम उठा सकें। लाहौर में तूफ़ानी बारिश के असरात अब भी बाकी हैं। नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका, शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। हफ्ते के रोज शहर में बादल गरजे और फिर खूब जमकर बरसे। बरखा रुत ने मौसम तो खुशगवार बनाया, मगर बारिशी पानी ने शहर की खूबसूरती को गहनाया। लाहौर की कई सड़कों और गलियों में कल की बारिश का पानी अभी तक जमा है। पोश इलाके गुलबर्ग, डिफेंस, वॉल्टन रोड, जोहर टाउन, मॉडल टाउन और नेचर कम्प्लेक्स जेरे आब आ गए। शहर की कई रिहायशी आबादियां ताहाल इंतजामिया की मुंतजिर हैं। अंदरून शहर चुंगी अमर सद्दू, गाजी रोड, निश्तर टाउन, इकबाल टाउन के मकीन बारिश के पानी से परेशान हैं। गाड़ी ये स्टार्ट ही नहीं हो रही, इसमें इतना पानी डल गया है, तो लिहाजा इसका इंतजाम करना चाहिए बल्दिया को। सारी दुकानें इसी वजह बंद है, सारी मार्केट बंद पड़ी है। गुज़श्ता रोज केनाल रोड पर पड़ने वाले शिगाब भी अभी तक पुर नहीं किए जा सके। निकासी का हमने निजाम ही अंदर नहीं डाला, तो ऐसी हमारी मैनेजमेंट का क्या फायदा, ऐसी हमारी कंस्ट्रक्शन का क्या फायदा जो कि बाद में हमारे लिए आसानी पैदा करने की बजाय हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे। महकमा मौसमियात ने 29 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फहद भट्टी, समा लाहौर।